यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। देश में पिछले लंबे समय से इस विषय को लेकर खासी चर्चा चल रही है और ये मुद्दा लंबे समय से सुर्खियों में है। इस पर दो पक्षों में विवाद भी है। विवाद ये कि एक पक्ष को लगता है कि यूसीसी देश को एक सूत्र में बांधने में एक अहम कदम होगा, जबकि दूसरे पक्ष को ये लगता है कि एक धर्म विशेष के कई अधिकार छीन लेगा। अब केंद्र सरकार ने इसे अपने संकल्प पत्र में प्रमुखता से रखा था और अब सरकार इसे पूरा करने की तैयारी भी कर रही है। जी हाँ, देश में यूसीसी जल्द लागू हो सकता है और इस यूसीसी के लागू होने के बाद देश में कई चीजें बदल जाएंगी, कई कानून और कई प्रथाएं समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन सी हैं वो प्रथाएं और कब यूसीसी लागू होगा, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आपको बता दें कि देश में यूसीसी कब लागू होगा इसको लेकर अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूसीसी पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसका ड्राफ्ट भी सरकार को सौंपा जा चुका है और 6 फरवरी को उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार इस पर विधेयक लाने जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी के पास इस समय पूर्ण बहुमत है, तो जाहिर है कि ये विधेयक पास भी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड में जल्द ही ये कानून भी बन जाएगा। संभव है कि 6 फरवरी को ही इस पर मुहर लग जाए। अब यूसीसी भले ही उत्तराखंड में लागू होने वाला हो, लेकिन जब ये देश में लागू किया जाएगा तो इसमें सारे कानून या इसकी सारी बातें लगभग एक जैसी होंगी। बस केंद्र के हिसाब से कुछ नियमों में बदलाव हो सकता है, बाकी ज्यादातर चीजें वैसी ही रहने की उम्मीद है। इसलिए हम ये जानते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं, क्या कानून है और किन नियमों में बदलाव होगा और कौन से नियम ऐसे होंगे जो आपको जानने चाहिए, वो समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 हर हाल में हो जाएगी। इसके अलावा विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे नियमों में व्यापक स्तर पर बदलाव होगा। बदलाव ये कि उत्तराधिकार के कानून में बेटे और बेटी दोनों के लिए बराबर के हक मिलेंगे, यानी कि बेटी भी उत्तराधिकार में उतनी ही हकदारी होगी जितना कि अभी बेटा है। बताया जा रहा है कि इसके बाद बहुविवाह की प्रथा पर रोक लग जाएगी, यानी कि एक से अधिक शादियां करना अपराध माना जाता है, आम भाषा में इसे पॉलीगैमी कहते हैं। यदि कोई महिला दोबारा विवाह करती है तो उस पर किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होगी, मसलन तलाक अनिवार्य होगा। अगर किसी स्थिति में पति की मृत्यु हो जाती है और यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा, यानी कि मृतक के माता पिता को लाभ मिलेगा। ये लाभ उनके बुढ़ापे में उनके लिए राहतपूर्ण साबित होगा। वहीं अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उनके भरण पोषण का जो दायित्व है वो पति का रहेगा। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए इसमें एक बड़ा नियम जो है वो सामने आया है। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा, साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा, यानी कि एक डिक्लेरेशन जो है जमा करना होगा। यही नहीं, अपने माता पिता को इसकी पूरी की पूरी जानकारी देनी होगी। इस कानून के लागू होने के बाद हलाला और इद्दत जैसी रस्मों पर रोक लग जाएगी और यदि ऐसा मामला सामने आता है तो 3 साल की सजा और 1,00,000 जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। इस कानून के आने के बाद विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अगर विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। घरेलू हिंसा होने पर 5 साल तक बच्चे की कस्टडी मां को दी जाएगी और यदि पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को दी जा सकती है। खास बात यह है कि इस कानून के आने के बाद संपत्ति के अधिकार में जायज और नाजायज बच्चों को समान अधिकार मिल जाएंगे। ऐसे में इस तरह की चीजों पर या तो रोक लग जाएगी या फिर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस कानून के लागू होने के बाद अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता सरल हो जाएगी। यही नहीं, इसमें बच्चों की सीमा निर्धारित करने के लिए इसी में जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात हो सकती है। हालांकि अभी इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें बदलाव किए जाए। साथ ही साथ अडॉप्शन यानी कि गोद लेने का जो अधिकार है वो इस कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर इसे समाज की स्थिति में सुधार करने के लिए बनाया गया है। जो कानून सभी नागरिकों को मिलने चाहिए वो नियम इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि पर्सनल लॉ के अलावा इसमें जो देश भर में सभी लोगों को कानून मिलने चाहिए उस पर ज्यादा बात हुई है। इसी के लिए इसे समान नागरिक संहिता भी कहा गया है, ताकि यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार
अनुसार सभी नागरिकों की एक समान संहिता। ये कुछ जो प्रावधान है जो उत्तराखंड में जब यूसीसी लागू होगा तो उसके बाद जब ये विधायक पेश हो, जब ये विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा तब इसके बाद इसकी जो बातें हैं वो कुछ ये बातें सामने हैं। और उसके अलावा कई और भी नियम इसमें बदलाव किए जाएंगे, लेकिन जो मोटे मोटे नियम हैं वो नियम हमने आपको इसमें बताए। क्या कुछ कहना है आपका इस पर और क्या लगता है आपको कि देश में कब तक यूसीसी लागू हो सकता है? हमें अपनी राय जरूर रखें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।